गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यार अभी सो के उठा है, बस अभी सो के उठा है। और ये देखो मन खुशी सो रहे हैं, अभी देखते हैं। अभी ये देखो बिल्कुल डल लेक का व्यू बिल्कुल सामने दिखेगा, बिल्कुल सामने। सो गाइस हम क्या बोलते हैं शिकारा बोट में बैठ चुके हैं। सो गाइस अब आलिम आलिम भाई के चढ़ाओ चढ़ाओ। सो गाइस ये आलिम भाई हैं, ये पापा हैं। अब हम कावा पियेंगे। अंकल हैं। हाय गाइस आप व्यू देखो। ये ज़बानी कोई अंकल है। बोला भाई क्या कर रहे हैं। इसलिए ज़बानी क्या नाम है भैया आपका। ये हम मेरा कावा पी रहे हैं। हाँ भैया मेरा नाम है अयान। अयान भाई ये कावा पिला रहे हैं। ये कावा किस चीज का। ये जीरे पी रहे हैं मैडम, ये गरम है। इसमें केसर बादाम अखरोट हनी रोज। ठीक है बताओ जरा कैसा है टेस्ट, फिर हम भी पी लेंगे अगर अच्छा होगा। और ये चेस्ट के लिए है, किसी ट्रेडिशनल नेचुरल। आप देखो कश्मीर का तो आनंद ही अलग है। वैसे कश्मीर तो जन्नत का नज़ारा, जन्नत का नज़ारा है। बहुत बढ़िया। कैसा टेस्ट है ये भाई। कुमसुम बैठे हैं यान। बच्चों को कुछ कॉफी हॉट चॉकलेट। तो ये मन खुशी मैं और नीता ये शिकारा राइड कर रहे हैं डल लेक में। शुरू में तो डर लग रहा था, लेकिन जो शिकारा भैया है उन्होंने कहा कि हम बचा लेंगे अगर गिरोगे तो। कितना अच्छा है ना, देखिए कितना प्यारा आ रहा है। खुशी कुछ बोल रही है। सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। ये भैया हैं, क्या नाम है भैया आपका एक बार बता दो। हमारा नाम है अब्दुल समद। अब्दुल समद भाई हैं ये। ये यहाँ पे शिकारा राइड करते हैं, यहीं के रहने वाले हैं ये वैसे। हाँ कश्मीर का रहने वाला है। एक बार सभी लोग यहाँ पे आए, एक बार विजिट करनी जरूर बनती है, तो शिकारा राइड भी करनी चाहिए। तो गाइस अब आपको व्यू दिखाते हैं। गाइस पार भी हैं। गाइस यहाँ हल्का हल्का डर भी लग रहा है। और गाइस कि आप ये हमने कावा लिया था और ये पी लिया। सनसेट सनसेट दिखाओ। सनसेट गाइस बहुत ही प्यारा। ये फोन अगर नीचे गिर जाएगा तो मिलेगा नहीं। फिर मिलेगा गाइस। पापा कुछ बातें कर रहे हैं। अगर फोन नीचे गिर गया तो मिलेगा नहीं, दूसरा ही लेना पड़ेगा। सो गाइस अब आपको मिलते बाद। ये मार्केट आ गई कश्मीर की, फ्लोटिंग मार्केट है। ये पानी के अंदर ही मार्केट है, है? हैंडीक्राफ्ट में जाओगे क्या? चाकू कंपनी, खुशी कह रही है मार्केट। खुशी मार्केट में रुकना है तुझे, क्या लोगे मार्केट से? कुछ लेना नहीं था कश्मीरी शॉप। हाँ बोलो। गाइस देखो जब से हम राइड कर रहे थे अब बहुत देर हो गई है राइड करते करते, हमें 2 घंटे हो गए हैं लगभग लगभग 1.5 घंटा। तो अब बस होटल की तरफ जा रहे हैं। देखो पूरी रात हो चुकी है, कुछ नहीं दिख रहा। ये डल लेक का देखो व्यू बिल्कुल होटल के सामने से ही दिख रहा है, बिल्कुल सामने ही है। कितना अच्छा लग रहा है ये होटल का पार्क है। नीचे हम 4th फ्लोर पे मिला था यार रूम, नीचे का हमने भैया को बोला था 1st फ्लोर दे, तो कह रहे भैया ऊपर से ज़्यादा अच्छा लगेगा व्यू। ये देखो पार्क का
बाहर भी चेयर्स डाल रखी हैं, वहाँ भी बैठ सकते हैं जाके। अच्छा है ये होटल इम्पीरियल है, लेकिन एक चीज़ है यार, यहाँ पे ना होटलों में एसी बहुत कम है, कह रहे हैं इसी बार सर्दी पड़ी है, मतलब सर्दी नहीं पड़ी है, इसी बार गर्मी है, अदरवाइज ठंडी रहती है यहाँ। तो पेड़ आ रहा है सामने, नहीं तो बिल्कुल एकदम क्लियर दिखता है। मैं चलो दूसरी वाली विंडो से देखता हूँ, वहाँ से अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना यार, कमेंट में करके बताना क्या अच्छा लग रहा है। ये दूसरी विंडो से पूरा होटल ही दिख रहा है यार, कुछ खास तो दिख नहीं रहा। ये नीचे देखो जाम लग गया, यहाँ लगा ही रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। और आर्मी के ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे, आर्मी की जीप और वो वैंस मतलब ऊपर से ओपन है, चलती रहती है, मतलब आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। तो आपको आना चाहिए एक बार कश्मीर, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर दिखता है यार, मतलब और कहीं ऐसा नहीं है अभी। मैं बहुत जगह गया हूँ बट कश्मीर की जो डल लेक है, मतलब ऐसा व्यू मैंने नहीं देखा यार, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये देखो सिक्योरिटी की ये घूमते रहते हैं, ये ब्रेकफास्ट करने आ रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट कर रही है, पोहा खा रही है, खुशी उधर क्या खा रही है, रूट्स में लग गया, मुझे कॉफ़ी पी रहा है। Gracias.